का गांव हमने शूट किया है। बाबू यहां पर है। बाबू बोलो सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करें चैनल को। यस सब्सक्राइब करें चैनल को। मी कातली राजापूरचा आहे। स्कॅनर पण आहे, ऑनलाईन पण आहे। नाही नाही नाही, मी इकडचाच आहे। मराठी मध्ये आपल्याकडचं आहे। सबसे बडे फॅन क्या नाम है बाबू? उमेर नाम आहे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम चो, कसा का, हेलो एंड वेलकम, वनकम, जय भीम। मैं राहिद फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये वही टी शर्ट है जिस टी शर्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, जो टी शर्ट मैंने आप लोगों को दिखाया, जो शोएब भाई ने मुझे टी शर्ट दिया, हाउसमैन के रत्नागिरी राइडिंग ग्रुप है। आज मैं जा रहा हूँ गाँव, और गाँव जाते जाते मैं आप लोगों को दिखाऊँगा साकरी नाटे इफ्तार मार्केट। मैंने 2021 या 22 में शायद साकरी नाटे इफ्तार मार्केट दिखाया था, लेकिन उसके बाद अभी मैं फिर एक बार, अभी सीरीज चली रही है जब मैं इफ्तार मार्केट दिखा रहा हूँ अलग अलग गांव, अलग अलग एरिया का, तो साकरी नाटे का भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं। रत्नागिरी में जब भी आता हूँ ना मैं, तो मेरी खाला मुझे माँ जैसा प्यार करती है। ये आज से नहीं है, ये बचपन से ही मुझे अपने बड़े बेटे की तरह ट्रीट करती है, काफ़ी अच्छा प्यार करती है, काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है फातिमा खाला, और उनके बच्चे भी जैसे रिफत हो गई, हफ्से हो गई, शादमा हो गए, ज़रीर आर्यान, इन लोग भी काफ़ी मुझे अच्छा करते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरी दीदी, अब्बा, अम्मी, इन लोग राजापुर में रहते थे, दीदी कॉलेज में थी और मैं 10th में था, और मैं गांव में रहता था, तो मैं खाला के यहाँ पे ही रहता था गांव में, तो खाला काफ़ी अच्छा करते थे मेरे को। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज के लिए अंजुमन इस्लाम जूनियर कॉलेज में गया, मुंबई CST, तब शारमिन खाला, उन्होंने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा मेरा। हर किसी का महत्व ना मेरे लाइफ में, हर किसी का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं जब रत्नागिरी में आया, जब मैं ST महामंडल में जॉब पे लगा, उसके बाद जब अब्बा का ऐसा हुआ, फिर अम्मी गांव में ही थे, तो नौशीन फुप्पी ने मेरा काफ़ी अच्छा साथ दिया। तो हर किसी का किरदार है ना मेरे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बहुत लोगों ने मुझे ऐसा प्यार दिया, मेरे पूरे परिवार ने मुझे प्यार दिया, हो गए सब, पूरे खानदान ने मुझे प्यार दिया। मेरी अम्मी हमेशा सपोर्ट करती रहती है, मेरा पूरा परिवार मुझे सपोर्ट करते रहता है कि हार नहीं माननी कोई भी चीज़ को लेके। अप डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं ज़िंदगी में, सुख दुख होते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैं जा रहा हूँ साकरी नाटे इफ्तार मार्केट, आप लोगों को दिखाऊँगा। फिलहाल मैं हूँ खाला के यहाँ पर, और यहाँ से मैं अभी निकलूँगा गाँव जाने के लिए। चलो 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 चल रहे, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ साकरी नाटे का इफ्तार मार्केट। साकरी नाटे भी राजापुर तालुके में बहुत बड़ा, यानी सबसे बड़ा गांव हो सकता है। बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉगिंग सेटअप में मैं वापस आ चुका हूँ। तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा आवाज़ मेरा बराबर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो अभी मैं फातिमा खाला के यहाँ से निकल चुका हूँ। यहाँ से लेना है लेफ्ट। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूवर्स है, आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी होली। और गोगटे जोगलेकर कॉलेज, ये वाला एक रोड थोड़ा सा शॉर्टकट है, यहाँ पर भी मैंने कमेंट्री की है। तो ये जो ब्रिज देख रहे हैं आप लोग, ये राजीवड़ा से भाटे जोड़ने वाला ब्रिज है। लेफ्ट हैंड साइड में राजीवड़ा गांव है, राइट साइड में मांडवी है, राइट साइड में अरब सागर है, और स्ट्रेट जाएंगे यहां से तो भाटे बीच है, और यहां पर अगर देखोगे तो भाटे गांव है, और उसके आगे अगर देखोगे तो करला गांव है। तो ये सब गाँव है, और बहुत दिन के बाद मोटो व्लॉगिंग सेटअप में वापस आ चुका हूँ। और रॉयल इनफील्ड हिमालयन का टायर मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, कहीं पर मिल नहीं रहा है। मतलब रत्नागिरी पूरा घूम रहा हूँ मैं, टायर नहीं मिल रहा है, क्या मालूम क्यों ऐसा। तो जितने भी अपने व्यूवर्स हैं, आप सबको पता होगा कि जो हमारी कोकण रत्न सीरीज चल रही थी, और मैं गोवा गया था, गोवा के बाद मैं दीपिका पादुकोण और भी बहुत सारे, अलका कुबल, और कुछ वीडियोस में ना आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग एयरफोन लगा के या एयरबड्स लगा के वीडियोस देखते होगे तो एक ही लेफ्ट वाले कान में आपको आवाज़ आती होगी,
तो उसकी समस्या, मेरे माइक में प्रॉब्लम था और 4-5 दिन हुआ मेरा माइक बंद हो गया था। तो मैंने शोएब बोरकर जिन्होंने मुझे ये हॉर्समैन का टी शर्ट दिया, मैंने उनसे बोला कि शोएब भाई आपके पहचान में कोई गोप्रो यूज़ करता है कि अडेप्टर के साथ में जो माइक यूज़ करता है? तो शोएब भाई बोले 10 मिनट दो मुझे, मैं देखता हूँ। तो वो 10 मिनट में फातिन भाई, जिनके पास भी रत्नागिरी में रॉयल एनफील्ड हिमालयन है, बंजारा, उगाड़ी, कर्नाटका, गोवा, मतलब बहुत जगह घूम के आ चुकी है, तो उनके पास ये माइक था। क्योंकि मेरे मन में एक डाउट था कि मेरा अडेप्टर तो ख़राब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन 2 माइक ऑर्डर किया था तो वो भी कनेक्ट नहीं हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने फातिन भाई के पास का जो ये माइक है वो लगाया कल रात में जाके, तो देखा मैंने ये माइक का ही फॉल्ट था। तो अभी आप लोग बताना कि दोनों कान में आवाज़ आ रही है कि बस एक ही कान में आवाज़ आ रही है, वो लेफ्ट वाले में, तो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। और मज़ा आ रहा है ये मोटो ब्लॉगिंग करने ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लाल परी की क्या यादें यार, 100K सब्सक्राइबर के बाद मैं आप लोगों को सारी यादें बताने वाला हूँ। मैं जो बस में मुझे वोमिटिंग होता था, वो बस की एक कहानी है जो आप सबको सुनानी है। बस कुछ समय का इंतज़ार करना, वो इंतज़ार के बाद आप लोगों को वो कहानी है जो बतानी है। निकलूँ क्या? चलिए अभी पेट्रोल की ज़रूरत है। तो ये जो आप लोग देख रहे पावस कस्टी स्टैंड, पावस मार्केट, एंड मैंने ऐसा सुना है कि ये जगह को पावस अड्डा भी बोलते हैं। और मुझे लगता है यहाँ का अठौड़ा बाज़ार है ना, बुध के दिन लगता है, वेनसडे के दिन लगता है यहाँ का अठौड़ा बाज़ार शायद। हाँ, तो अभी हम लोग पूर्णगढ़ से गाँवखड़ी जुड़ने वाला ब्रिज, ये अरेबियन सी, अरब सागर, कशेली यहाँ से 5 किलोमीटर, इस पानी के बीच में एक दरगाह। और पूर्णगढ़ और गाँवखड़ी में कुछ रमज़ान का माहौल होता है क्या, कुछ इफ्तार की रौनक होती है क्या? अगर हाँ तो कमेंट करके बताना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के यहाँ पर भी आऊँगा मैं और रमज़ान का माहौल आप लोगों को दिखाऊँगा मैं। ये गाँवखड़ी बीच भी है ना, बहुत सुकून वाला बीच है, मतलब यहाँ जब भी आओ तो ये थोड़ा सा पैच है ना, ये छाँव वाला है और बीच भी काफ़ी खूबसूरत है। काफ़ी यादें हैं गाँवखड़ी बीच से भी अपनी। कातली राजापुर जाए, स्कैनर बना है, ऑनलाइन बना है। नहीं नहीं नहीं, मी इकडचा जाय, मराठी बोलले मग आपल्याकडे जाय। कोमूचा नाच शिमगा, हॅप्पी होली तुम्हा सर्वांना। चला हॅप्पी होली तुम्हाला सर्वांना। कशात? हॅप्पी होली। ते आता जे सिरीज का थांबली मधी? सिरीज आता माझं बॅक पेन चालू होतं ना, एक्सपिक ऑडिया। हेलमेट काढू की न काढलं बरं झालं असतं, हे जॉईंट आहे। गाडीवरून ओळखलं, खूप प्रेम असेच राहू देत। तेच, नक्की नक्की। इकडचे तुम्ही? हो, नवी दिल्ली लोणवी। हो, कशीच्या पुढे राईट साईडला। हां हां, श्री भगवती मंदिर अडिवडे। हे लोक ओळखतायत गाडीवरनं, पण ओळखतायत लोक आपल्याला। तर आज शिमगा होली, तर होलीचा माहोल तुम्ही बघू शकता इथे, सर्वजण इथे एकत्र जमा झालेले आहेत। ते कोणतरी यूट्यूबर पाहिजे भाई, कोण यूट्यूबर दिसत नाही मला। हा बघा, हा पूर्ण माहोल आहे। तर असे सबस्क्रायबर भेटतात, खूप बरं वाटते। अभी ये वाला जो रोड है ना,
यहाँ से धारतले जाओगे, धारतले से राइट मार के नाटे, लेकिन ये जो रोड है ना वाया राजवाड़ी, ये रोड भी अच्छा है, मतलब अपना किलोमीटर भी बच जाता है और टू व्हीलर के लिए बढ़िया रोड है ऐसा। चलिए अभी मैं आ चुका हूँ नाटे गांव में, साकरी नाटे, साई पूजा गाड़ी जा रही है, देखो ये वाले शॉर्टकट से आया मैं। तो नाटे गांव भी बहुत बड़ा गांव है, तो इसी गांव का इफ्तार का माहौल आज आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं बहुत बार कमेंट्री के लिए आया हूँ, शाम के टाइम में इधर भी अंडर आर्म क्रिकेट खेल रहे, देखो टीम बहुत अच्छी है यहाँ की। रैन कैसा है? ये अभी मैं आ चुका हूँ साकरी नाटे गांव में। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को मैं इफ्तार मार्केट दिखाता हूँ। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं जामा मस्जिद इफ्तार मार्केट है, ये पूरा मोहल्ला है। तो चलिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये नाटे गाँव की जामा मस्जिद है। और अच्छा अच्छा मुख्तार भाई, ये नाटे गांव का माहौल है, क्या बोलते भाई, खैरियत? यहाँ पर हमेशा हलचल होती है। तो ये जामा मस्जिद मोहल्ला है, मोहम्मद जनरल स्टोर, तो ये मुनाब भाई की शॉप है, जहाँ पर आप देख सकते हैं सब ये जूस है, कौन से जूस है, मैंगो और एप्पल जूस है। और बाकी यहाँ पर दूध, आइसक्रीम सब कुछ मिल जाता है, देखो ठंडा वंडा सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके बाद अभी खजूर है, बटर है, खारी है, एक चाय दो खारी, मुनाब भाई का दुकान बहुत भारी। बाद यहाँ पर आने के बाद है पैटिस और बटाटा भजी है। हाँ, समोसा ख़त्म हो गया, ओके लेट हो गया क्या मैं? तो ये पैटिस और बटाटा भजी है। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे जाओगे ना तो समोसा है, ये कटलेट है, कबाब है, कबाब है, वो साबूदाना वड़ा है ना, साबूदाना वड़ा, इसको क्या बोलते हैं, चिकन पैकेट है। देखो ये चिकन पैकेट कैसे पैक किया गया है, देखो इसके लिए शायद इसका नाम पैकेट रहेगा। और ये बैदा चिकन रोल है, और ये चिकन कैंडी है। और उसके बाद ये सब फ्रूट्स है यहाँ पर, वाटरमेलन रमजान के महीने में हर एक के घर पे होता ही है। उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर मैं लगड़ा, तो लगड़ा ये यहाँ पर है। और ये क्या चना बटाटा है क्या, ये चना बटाटा है यहाँ पर, देखो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये चना बटाटा है और ये अपना नॉर्मल लगड़ा है। तो लगड़ा चना बटाटा ये रमज़ान के महीने में अक्सर लोग खाया करते हैं, अक्सर लोग पसंद करते हैं। और उसके बाद फालूदा, फालूदा अगर आप लोग देखेंगे तो हर इफ्तारी में लोगों को बहुत पसंद है फालूदा। कितना रुपये है फालूदा, ये 10 रुपये का, ओके 10 रुपये का फालूदा है। और उसके बाद शायद ये भी लगड़ा ही है, देखो ये इधर भी लगड़ा है। और कांदा भजी, ये समोसा, वड़ा, ये 3 आइटम्स यहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर भी देखो भजी, कांदा भजी, वो ये क्या है, ये अलग शेप में दिख रहा है, देखो फूल, ये देखो ये, हाँ चिकन, चिकन चिकन फूल, वाव ये चिकन फूल है देखो। बाकी कटलेट, समोसा और पैकेट है। तो ये जामा मस्जिद एरिया है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं यहाँ पर पूरा रमज़ान का माहौल। ये वाटरमेलन, यहाँ पर भी सब वाटर मेलन ही है। है क्या छोटे भाई या बड़े भाई? ओके ओके, इसके बाद अभी आगे आगे चलते। वालेकुम सलाम, खैरियत? ये देखो ये तागड़ी है, ये अक्सर पहले इसी का यूज़ किया जाता था, ये वाले तागड़ी का 2.5 kg है क्या मैक्सिमम? यहाँ पर भी वाटर मेलन है सब, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, और इधर दुकान है। और यहाँ पर आने के बाद मैं देखा कि मच्छी है, मच्छी ये शिंगटी की, शिंगटी ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना शिंगटी है, कैटफिश, ये भी शिंगटीज है ना, ये सौंदल और वो कपटे, यस ये कपटे मच्छी है। और मच्छी की अगर बात करेंगे ना तो साकरी नाटे गाँव ना मछुआरों के लिए जाना जाता है। मछुआरों की ज़िंदगी की अलग कहानी है, कभी घर की रोजी तो कभी मलकुल मौत, ये पानी है, ये आंधियों में पलते हैं, ये तूफानों में निकलते हैं, और खौफ दिखाते मौत का, ये मौत से हर दिन लड़ते हैं। ना बागी चमन ना खौफे सुकन, हर फर्द की यही कहानी है। ना प्यार है, ना प्यार है इनको महलों से, इनका वतन तो पानी है, पानी है। मच्छी है तो हमारी ज़िंदगी है, हमारा जीवन है, यस मच्छी है तो हमारी ज़िंदगी और हमारा जीवन है। बात आप लोगों को लेके चलता हूँ, जो जामा मस्जिद मोहल्ला था ना वहाँ पर मैंने आप लोगों को इफ्तार का जो माहौल था ना वो दिखाया।
और इसके बाद अभी आप लोगों को लेके चलूंगा मैं साकरी नाटे गांव की खाओ गली। तो मोहम्मद अली रोड की खाओ गली आप लोगों ने देखी, मोरबा की खाओ गली आप लोगों ने देखी, फिर रत्नागिरी की मझगांव रोड खाओ गली आप लोगों ने देखी। रमजान के माहौल की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद अभी साकरी नाटे राजापुर तालुके का बहुत बड़ा गाँव है, यहाँ की खाओ गली दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ सब टोपी है और मुझे भी टोपी लेनी। अच्छा लग रहा है क्या आज तो मैच ही हो रहा है। अच्छा लग रहा है यार, अच्छी लग रही है कि ब्लैक अच्छी लग रही है वो बताना। कमेंट आया बोले ब्लैक वाली अच्छी लग रही है तो ब्लैक ही लेते हैं। चलिए आगे वाला व्लॉग यही टोपी पे होगा। ये तो सालिम तमके भाई, ये नाटे गांव में इनका ये स्टॉल है टोपी का, तो जरूर अगर आप लोग आते हैं नाटे में तो हर एक तरह की टोपी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसको लेप बोलते, लेप 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 तो सालना बेस लगते। चलो 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 खाओ गली की ओर चलो। पुराने स्ट्रक्चर का घर है, जाम है, जाम विलायती जाम बोलता है, विलायती बोलता है ना, ये विलायती जाम है। आशी किताब भाग, अच्छा अच्छा अच्छा, ये नानगे थे मट्टे। तो ये जो आप लोग ड्रेस देख रहे हैं ना यहाँ पर, अभी आप सबको पता है कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ईद में लोग शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पर ये ड्रेस है जो कॉटन के ड्रेस है और इसकी रेंज है ना 500 से लेके 700 तक रेंज है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सब पैटर्न में यहाँ पर आपको ड्रेस देखने के लिए मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब शेब भाई भी है वो एसटी के वीडियो में। कबाब है और इसके बाद आपको यहाँ से मैं आगे लेके चलता हूँ। यस भाई लोग बहुत प्यार, बहुत प्यार। आप लोग देख रहे हैं ना ये नाटे गांव की खाओ गली है, यहाँ पर लास्ट ईयर भी आया था मैं, अभी शोरमा भी आया, शोरमा वाला कॉन्सेप्ट भी आया है, पैकेट है, चिकन कांडी है और बाकी खत्म हो चुका है। यस, और वो जो सामने आप लोग देख रहे हैं वो शोरमा है। पिछले साल मैं यहाँ पर आया था काफ़ी ज़्यादा रश थी, काफ़ी ज़्यादा वराइटीज़ भी थे, मगर इस साल ख़त्म हो चुका है। देन उसके बाद ये यहाँ पर कबाब, पैटीज, वड़े ये सब है और बाकी खाओ गली का माहौल ख़त्म हो चुका है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये गावटी अचार है, नको करू कुटला विचार, या गावटी अचार लाले, गावटी अचार लाले, अब खत्म हो गया बोल रहे हैं यहाँ पर 4 बजे, 6 बज रहा है। बस अभी इधर खत्म हो गया, हाँ हो गया बजाने का। ओके ओके, तो अभी ये खत्म ये भी है तो आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ मैं। गेस्ट क्या बोलते, अच्छे लेट रत्नागिरी से आया ना, 4 बजे, 4 बजे, चलो 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 चलो। तो ये मैं नाटे में आने के बाद एक यूनिक आइटम देखा, देखो आप लोग देख सकते सिगार रोल है ना, और मैं काटली गाँव को, ये पैकेट है, ये कांदा भजी है, वो चिकन कांडी है, ये अंडा रोल है, तो ये सब है यहाँ पर आप लोग देख सकते भाई के यहाँ पे। और पब्लिक 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 पब्लिक, और ये देखो ये देख सकते आप लोग पैटीज भी है, ये यहाँ पर समोसा है। ये बहुत प्यार सबको, बहुत प्यार। अभी यहाँ से हम निकलते हैं, पूरा गांव हमने शूट किया है, बाबू यहाँ पर है। बाबू बोलो सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को। देखता हूँ इंशाल्लाह, देखता देखता ट्राई करता हूँ। वालेकुम सलाम, मैं किधर से आऊंगा, रत्नागिरी रत्नागिरी। ये देखो ये जो देख रहे ना ये एमके टेलर, ये देख के नाप ले लेते हैं, मेजर टेप से नहीं, क्या ही बात है। चलो ये देखो ये मेरे सबसे बड़े फैन, क्या नाम है बाबू, उमेर नाम है, उमेर सब वीडियोस देखता ना मेरे। यस, और उमेर को मिलने के लिए मैं उमेर के घर पे आया, अच्छा लगा उमेर से मिल के। कौन सा वीडियोस पसंद आता है, सब वीडियोस पसंद आते तुम्हारे का। ओके, अच्छा लगा मिलके बाबू आपसे। उमेर, उमेर के लास्ट में आता है आर और मेरा नाम शुरू होता है आर से, राहिद है ना, अली, हमदान, समान, सुहेब, ये तो मेरे, देखो सुहेब का फोन भी आ रहा है, हाँ नूर, 2021 में, हाँ
हाँ क्या देखता है वीडियो बहुत लड़ा तो उसका है चुप कराने लेके आया लगता है चलिए इफ्तारी के लिए थोड़ा सा लेट हुआ आया इफ्तारी किया मगरिब की नमाज पढ़ा और मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अभी आया और अम्मी के हाथ की बनी सोजी पीना बहुत जरूरी है सोजी है सोजी पीता हूँ चलिए आज का वीडियो मैं फजर के बाद एंड कर रहा हूँ कल वो टाइम नहीं मिला कि वीडियो बना सको बस दुआ की दरख्वास्त है फलस्तीन के लिए दुआ करना गाज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करना खुदा हाफिज़ मिलते हैं वापस दुआ की गुजारिश